नमस्कार, आदाब दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम फिर से नए व्यंजन या नए डिश के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सोया बिरयानी। तो सोया बिरयानी यानी कि जो सोयाबीन की बड़ी होती है उसकी बिरयानी कैसे बनती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, और बहुत आसान, बहुत कम मसालों के साथ हम आज बिरयानी बनाना आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए सोया बिरयानी बनाना। आज हम जो सोया बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमने लिए हुए हैं सोयाबीन की बड़ियाँ। ये मैंने अच्छी तरह से भिगो ली हैं, और जो इनका पानी है हम इसे अच्छी तरह से निकाल देंगे। पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए। सोयाबीन की बड़ियों को हमने अच्छे से पानी जो उसमें होता है वो निकाल लिया है। अब हम इसे दही में डालते हैं। मैं थोड़ा दही लिया हुआ है, और इसमें थोड़ा आलू लिया हुआ था, आलू डालते हैं, साथ में हरी मिर्च कटी हुई डाल देते हैं इसमें। इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं हम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है, और एक चम्मच धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे छोड़ देना है। इसके बाद जो कि जो दही और जो हमारे मसाले और बढ़िया आलू है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। अब हमने छोड़ते हैं करके। सोया बिरयानी बन रही है हमारी। उसके लिए जो चावल लिए थे हमने वो हमने भिगोने रख दिए हैं, और 15 से 20 मिनट तक हमें इसे भिगो के रखना है अच्छी तरह से। सोया बिरयानी के लिए सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को हमें इस तरह से लंबाई में काटना है, इस तरह से ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और ना ही ज्यादा मोटे, इतना होना चाहिए। आप देख सकते हैं इतना होना चाहिए, इतना मोटे होने चाहिए और इस तरह से ही लंबे होने चाहिए, है ना। तो अब हम सारे प्याज इस तरह से काट लेते हैं। काट हैं, अब उन्हें काटने के बाद बिल्कुल अलग अलग कर देने हैं, बिल्कुल अलग अलग इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग होने चाहिए इस तरह। अब काट लेते हैं हम टमाटर, जो आजकल मैं यूज कर रहा हूँ, हरे पीले और लाल जो टमाटर हैं अक्सर मैं आजकल उन्हीं का ही यूज ज्यादा कर रहा हूँ। साथ में थोड़ा अदरक के टुकड़ा और लहसुन की कुछ कलियाँ इसमें अच्छी तरह से काट लेते हैं, और हरी मिर्च साथ में मिक्स कर लेते हैं। सोया बिरयानी के लिए हम सबसे पहले तेल डालते हैं। तेल 4 से 5 चम्मच लेने हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कड़ी पत्ता, और तुरंत जीरा डालते हैं उसमें अच्छी तरह से। साथ में डालते हैं हम 2 साबुत लाल मिर्च, और जो हमारे जीरा है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें प्याज डाल लेते हैं जो हमने अलग अलग किए हुए थे। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम टमाटर डाल देते हैं, साथ में अदरक लहसुन और मिर्च का जो हमारा पेस्ट बनाया हुआ था उसे हम डालते हैं इसमें। सबसे पहले नमक डाल देते हैं, आप स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज किया है तो हम कम प्रयोग करेंगे। साथ में धनिया 3 चम्मच ले रहा हूँ मैं, और साथ में 1/2 चम्मच हल्दी, देगी मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसके बाद जो हमारा सोयाबीन है आलू के साथ हम उसे इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना सोयाबीन आलू के साथ जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब इसे अच्छी तरह से डाल देते हैं इसमें। जो आलू और सोयाबीन है उसे हम कम से कम 30-40% जो है अच्छी तरह से पका लेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा ये चावल के साथ पकेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल जो हमने भिगोने रखे हुए थे, अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करते हैं।
इसके ऊपर से इसकी लेयर लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर ताजे ताजे पुदीना डाल देते हैं, साथ में हम इसके ऊपर हमने कुछ प्याज भुने हुए प्याज लिए हुए थे उन्हें डाल देते हैं, साथ में ऊपर से गरम मसाले थोड़ा सा, साथ में हम इसमें एक नींबू डाल देते हैं अच्छी तरह से, नींबू का तो रस इसमें जाएगा तो उससे जो चावल है ना वो खिले खिले से हो जाएगी। अब डाल देते हैं हम इसमें पानी, पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, पानी इतना डालिएगा कि ये बिरयानी बने खिचड़ी नहीं, है ना, तो ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें मार देते हैं तुरंत कुकर का जो ढक्कन होता है, तुरंत ढक्कन मार देते हैं। अब जो है जो हमारी जो सोया बिरयानी बन रही है उसके साथ दम भी लगेगा और जो हमारी बिरयानी है वो बनके तैयार हो जाएगी। हमारा सोया बिरयानी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले से लग रहे हैं चावल, और साथ में मैंने इसे 3 सीटी मरवाई इसमें, और 3 के बाद मैं तुरंत इसको बंद कर दिया था, और उसके बाद 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा हुआ था, और इसका जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो खुद ही रिलीज होने के बाद मैंने इसे खोला है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम इसे प्लेट में डाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बना हुआ है, जो असली जो इसका रंग होता है, जो असली इसका स्वाद होता है, जो असली इसका बनना कैसा चाहिए वो आपको प्लेट में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सोया बिरयानी था वो बन के तैयार हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने घरों में बिरयानी बनाइए। आपको कैसा लगा आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।